अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही लजीज है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 3 पाव कीमा है जो कि गाय का है, और इसमें हम तकरीबन 3 अदद दरमियानी जो प्याज है वो काट के यूज़ करेंगे। और अब स्पाइसेस की तरफ देखते हैं कि वो क्या यूज़ होंगे। तो ये चना जो होते हैं काले भुने चने, वो मार्केट से बासानी मिल जाते हैं, वो जो जिनका छिलका उतरा होता है अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना मिले तो जो छिलके वाले होते हैं उनके छिलके रिमूव करके तो उनको बारीक पीस लें। ये हमें 3 पाव कीमे में तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून चाहिए। 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 छोटा चम्मच जीरे का, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, और 1 छोटा चम्मच सूखा पीसा हुआ धनिया। इसके साथ हम यूज़ करेंगे 2 अंडे, 2 लीमू, अगर बड़े हैं तो 2 यूज़ कर लें और अगर छोटे हैं तो 3 यूज़ कर लें। और इसके बाद हम लास्ट में गार्निश के लिए धनिया यूज़ करेंगे। अच्छा, कोफ्ता मेकिंग से पहले मैं आपको बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगी कि जब तक हम कोफ्ते का काम करेंगे रेडी करने का, तब तक हम ग्रेवी के लिए एक पैन में प्याज काटे थे वो डाल के, उसमें ऑयल डाल के, साथ में 1 छोटा चम्मच नमक का डाल के लो फ्लेम पर रख दें, तो वो फिर बहुत ही अच्छी तरह जब फ्राई होंगे लो फ्लेम पर प्याज, तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये तब तक ये फ्राई होते रहेंगे लो फ्लेम पर। अच्छा, इसमें हमने ऑयल 1 छोटा कप डाला है। तो चले आए कोफ्ते का बनाने का काम स्टार्ट। अब कोफ्ता बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कीमे के अंदर ये जो सारे स्पाइसेस आपको बताए थे ये हम ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो चने का आटा हमने शामिल किया है इसकी वजह से कोफ्ते बहुत ही नरम और मज़े के बनते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अब हम इसमें लीमू काट के ऐड करेंगे। ये देखें, हमने तमाम स्पाइसेस इसमें मिक्स कर लिए हैं हाथ की मदद से। अब हम इसको चॉपर में डाल के चॉप करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के। ये देखें, प्याज लाइट ब्राउन शेड के हो गए हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और लो फ्लेम पे, और फ्लेम लो ही रहने देंगे, और उसी पर अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे। ये देखें, कीमा हमने चॉप कर लिया है। अब हम इससे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, यानी कि कोफ्तों की शक्ल देंगे। देखें ऐसे। ऐसे ही सारे आपने कीमे के इस तरह कोफ्ते बना लेने हैं। ये देखें, कोफ्ते बनके रेडी हैं। इसमें अदरक लहसुन डाला हुआ था लो फ्लेम पे, साथ साथ मैं इसको भी भूनती रही हूँ। तो देखें, एक ही वक्त में दोनों काम मेरे साथ साथ हो रहे हैं, यानी कि कम वक्त में आप दोनों ही काम इस तरह आसानी से कर लेंगे। अब मैं एक कढ़ाही लूँगी, इसमें ऑयल डालें, इतना ऑयल डालें कि इसमें हमारे कोफ्ते फ्राई हो जाएँ। इन कोफ्तों को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और गोश्त की खास स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाए। जो फ्लेम है वो आपने लो टू मीडियम रखा। अच्छा, हमने अदरक लहसुन भून लिया है। अब हम उसमें ये 2 टमाटर पीस के डालेंगे और साथ में ये 1/2 कप दही डालेंगे। देखें, अदरक लहसुन भून लिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और 2 टमाटर जो आपको बताए हैं वो पीस के डालेंगे और पेस्ट बना लेंगे।
ये देखिए मैंने इसमें पानी डालने के बाद टमाटर डाल दिए हैं। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर जीरा डालेंगे। थोड़ी सी अदकुटी मिर्च, एक छोटा चम्मच हल्दी का डालेंगे। आधा चम्मच मिर्च का डालेंगे। बाद ये देखें साथ साथ कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, कोफ्तों के लिए एक यूज़फुल टिप ये है कि आप सारे कोफ्ते एक ही दफ़ा में मत डालिए, बल्कि थोड़े थोड़े करके डालें। जिस तरह मैंने हाफ हाफ डाले हैं, यानी कि कुछ रख लिए हैं, कुछ बाद में फ्राई करूँगी। तो इस तरह कोफ्ते टूटने से बच जाएंगे और अच्छी तरह डीप फ्राई होंगे। ये देखें कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। जब इनका कलर इस तरह ब्राउन लाइट ब्राउन शेड में आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। ये देखें हमारी ग्रेवी भी रेडी है। ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें वे कोफ्ते जो फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे। अच्छा, कोफ्तों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना कि वो जल ही ना जाए। इसके बाद यहाँ हम हाफ कप दही ऐड करेंगे और अब इसको 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। ये देखें भूनने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। अब हम इसमें 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे कि शोरबे में कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए ये देखें कोफ्ते बनके रेडी हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें कोफ्तों का मज़ेदार सा सालन बनके रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।